स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। लगातार भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना दम दिखा रही है। उत्तर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सऊद की सक्रियता और लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के लिए एक नए सवेरे के रूप में राजधानी भोपाल में सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से मोहम्मद सऊद को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं लोगों में भी मोहम्मद सऊद को लेकर काफी लोकप्रियता नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद सऊद लगातार उत्तर विधानसभा में सक्रिय होने और हर वर्ग के लोगों से सीधा संवाद भी होना माना जा रहा है। वहीं मोहम्मद सऊद एरिया में गली गली पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद बना रहे हैं। उनकी इस अदा को जनता काफी पसंद कर रही है, जिसने लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति भरोसा मोहम्मद सऊद को अपने लिए बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के किले में इस बार झाड़ू लग सकती है और मोहम्मद सऊद उत्तर विधानसभा से झाड़ू के सिंबल पर विधानसभा पहुंच सकते हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी 70 सीट्स इलेक्शन है, इसमें जहां प्रत्याशी जीतने की संभावना होती है वहां थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, तो जहां थोड़ी प्रचार नहीं हो पाया जा तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो हाई कमांड जैसे आदेश देती है वैसे चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे मध्य प्रदेश? बिल्कुल आए हुए हैं जी, आज भी रैली की है। तो भगवंत मान जी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भी इधर थे, उन्होंने भी किया, रोड शो भी कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं ये जो इनकी लूंबड़ चालें थी ना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आपको सभी को मालूम है कि जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी का राज था, तो कांग्रेस से नाराज होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बना ली। तो जिस पार्टी से कोई जन्म लेता है वो छोड़ थोड़ा देता है, इसलिए जो आम आदमी पार्टी नहीं है, सभी को बेनती करते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दीजिए। चलते रहेगा जितनी देर तक हमारा इलेक्शन कमीशन का बैन नहीं होता, तो चलता रहेगा। उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि जब किसी ब्रिज को गिराना होता है ना, तो जैसे हमें आपके साथ भी संधि करनी पड़ेगी, जिसी को गिराने के साथ एक साथ होना पड़ता है। जैसे मदरसे जिसको स्कूल बोलते हैं पंजाबी में इंग्लिश में, और तो गरीब बस्तियों में बनाते ही नहीं है कि ये लोग पढ़ ना जाए, तो आम आदमी पार्टी का मकसद यही है और मध्य प्रदेश में यही रहेगा कि जहां गरीब लोग रहते हैं उनके लिए स्कूल अच्छे, अच्छी सेहत सहूलतें दी जाए। तो यही हमारा टारगेट है कि जिन लोगों की वोट होती है तो उनके लिए ये काम नहीं करते हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये अपने के लिए काम करते हैं। आपने सुना होगा मोदी साहब ने जो अरबपति हैं अडानी अंबानी उनका कितना बड़ा कर्जा माफ कर देते हैं, जो गरीब आदमी है उसको कर्जा भी नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो उसको बदनाम करने के लिए बैंक में नाम लिख देते हैं। तो उनकी तो बड़ों के साथ जारी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, इस बार लोग समझ चुके हैं तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। आज आपने काफी लंबा रुझान लोगों के देखने को, बहुत बढ़िया, सब ने विश्वास दिलाया कि वोट मांगने तो सभी लोग आते हैं, दूसरी पार्टी वाले भी आएंगे, पर उनको तो पहले परख चुके हैं तो उसको और परखने की जरूरत तो नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को एक मौका देकर देखिए, पहले भी हम कहते आए, हम पंजाब में भी परिवर्तन लाए, बदलाव आया, तो उधर भी ये बात है। जैसे केजरीवाल साहब स्पष्ट बोलते हैं कि अगर काम किया तो वोट डाल देना, तो हम भी पंजाब में यही बोल रहे हैं कि अगर 5 साल काम करेंगे आपको अच्छा लगा तो वोट देना, नहीं काम अच्छा लगा तो मत देना। ये जो गरीब लोग हैं, ये पहले जो पार्टियां राज करती रही है उनसे परेशान है, उनसे कर आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं, समर्थन बहुत अच्छा है जहां जाते हैं के जो गरीब लोग हैं, इनको पहले पार्टियां जो वोट बैंक के तौर पर बनती, वोट ले लो, जो घर भरने थे वो अपने अपने बच्चों के लिए काम करते रहे राजनीतिक लोग। अब आम आदमी पार्टी जो बनी है, जिसके अरविंद केजरीवाल जी मुखी हैं,
तो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में परिवर्तन लाए हैं, दिल्ली में परिवर्तन लाए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन लाए, एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दीजिए। तो ये लोग गरीब लोग हैं, इनको मिसगाइड करते रहते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उनकी मंशा ये है कि गरीब गरीब ही रहे। अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए मोहम्मद साहू साहब बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो सभी को बेनती की है कि एक मौका जरूर दीजिए। ये आम आदमी पार्टी की ये फितरत है कि आम लोगों की पार्टी, नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई वीआईपी लोग नहीं है। जैसे मैंने अपनी बात भी की है, तो मैं भी एक गरीब परिवार से, अनुसूचित समाज से संबंध रखता हूँ। तो आम आदमी पार्टी ने सीट जर्नल है जहाँ मैं जीता हूँ, जहाँ वो लोग हराए, वो 20 साल से कांग्रेस का प्रजाति था, 20 साल लगातार वहाँ जीता रहा। वही करते लोग 30 साल एक आदमी को जिताते रहे, तो वो पैसे लेके भाजपा में चला गया, कांग्रेस की सरकार गिरा दी। तो ये आम आदमी, आप लोगों ने सभी ने देखा कि कुछ दिन से परेशान किया जा रहा है। जो संजय सिंह थे, सिसोदिया साहब थे, वो अच्छे बुला रहे हैं, पार्टी के बहुत अच्छे बुला रहे हैं, उनको अंदर दे दिया, इसीलिए कि ये पार्टी थम जाएगी। ये थमने वाली नहीं है, ये आम लोगों की पार्टी है, दिन दुगनी और रात दुगनी, वो दिन दूर नहीं है। अब भारत के प्रधानमंत्री हों, मध्य प्रदेश के लिए जो बुनियादी सहूलतें होती है, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बिजली पानी फ्री, तो गरीब के जैसे काम, इधर करप्शन बहुत ज़्यादा, करप्शन मुक्त हो जाएगा, तो गरीब आदमी जिस जो भी काम होंगे ये लोग देखिए। ये तो आपको खुद मालूम है कि जगह जगह समस्याएं हैं, तो जहाँ जाते हैं तो वो सबसे पहले सवाल होता है कि नेताजी आ गए हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि हम पहली बार ही आए हैं और नई पार्टी के साथ आए हैं और मोहम्मद सऊद हैं, उनका बहुत आक्रोश है और जनता इस बार चेंज चाहती है और जनता 100% बदलाव करेगी और अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखिए अभी आप खुद देखिएगा ना, नाली सबसे पहले तो सफाई प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नालियाँ भरी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम फेल हैं, और ये तो यकीन उनको तुरंत करवाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।